और इंदौर की ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है सीधे ग्राउंड से खुशबू यादव जी। जी खुशबू, बताएं किस प्रकार का माहौल है आज इंदौर शहर में? यश, त्योहारों के चलते, जो राखी त्योहार है, त्योहारों के चलते आज प्रशासन की तरफ से आज इंदौर शहर को राहत दी गई है कि जो व्यापारी हैं, जो राखी है, पूजा सामग्री है, नमकीन मिठाई है, इसके लिए आज छूट दी गई है ताकि लोग अपना व्यापार कर सके। त्योहारों का सीजन है, त्योहार है, कल राखी है, तो इसी के चलते इन तीन श्रेणियों को छूट दी गई है। जी खुशबू जी, सरकार ने और भी कोई नियम निकाले हैं छूट के साथ साथ? जी, जो हमेशा से प्रशासन सभी को जागरूक करने के लिए कहती है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इन सभी चीज़ों की सुरक्षा की दृष्टि से जो गाइडलाइन जारी की है वो लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ जो ये तीन श्रेणियों की जो दुकान खोली गई है, इसके अलावा अगर कोई और दुकानें खोली जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और दुकानें भी सील की जाएगी। जी, किस समय का माहौल है खुशबू इस समय, आप बताएं कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए? यस, जैसे कि जो आदेश है वो शनिवार रात को जारी हुए हैं, तो उसी के देखते हुए बहुत सारे लोगों ने शनिवार रविवार को लॉकडाउन होने के जो पहले से उनको जो सूचना थी कि हर रविवार लॉकडाउन रहता है, उसी के चलते उन्होंने अधिकतर जो ग्राहक थे उन्होंने शनिवार को ही जो राखी की खरीदारी है वो कर चुके हैं। अभी अगर कुछ व्यापार की अगर आज की बात की जाए तो व्यापार आज बहुत ठंडा दिखाई दे रहा है। जो लोगों का आवागमन है बहुत कम है क्योंकि अधिकतर लोग अपने घर में ही हैं। जैसे कि आम लॉकडाउन के तहत जो जो अभी जो रविवार को जो लॉकडाउन रहते हैं उसी के तहत आज भी जो बाजार है वैसे ही दिख रहा है, सिर्फ जो दुकानें हैं वही खुली है। यश, इनको सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक की 8 बजे तक की छूट दी गई है और उसके बाद में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक वापस से जो कर्फ्यू है, जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। तो ये तमाम जानकारी जो हमारे खुशबू संवाददाता इस समय मौजूद थी सीधे ग्राउंड से, तमाम जानकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी आपका।